और मैं उत्तन में काम करता हूँ और हेमंत कानावाग से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमारी पगार हर टाइम टू टाइम होती है, महीने से महीना होती है। नहीं नहीं हमारी पगार टाइम टू टाइम होती है, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, हमारी पगार टाइम टू टाइम हो रही है। ठेकेदार से कोई समस्या आपको? ठेकेदार से भी कोई समस्या नहीं है। गलत बात है? गलत नहीं, हम लोग को पगार बराबर मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है। नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो क्यों बैठा है? मेरे को क्या मालूम, वो हम लोग को बताता नहीं है। ले उसको क्या लेना देना, हम लोग को क्या लेना देना, वो कुछ भी करे। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। शौचालय साफ सफाई कर्मचारी की समस्याओं को लेकर हेमंत कानावार कई बार अनशन पे बैठ चुके हैं। उन्होंने इसके पहले साइन मेंटेनेंस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद साइन मेंटेनेंस जो ठेका था उसे रद्द किया गया था। साथ साथ पुलिस भी इसकी तहकीकात कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब उस टाइम उस ठेकेदार का जो टेंडर था वो रद्द कर दिया गया था, उसके बाद भी यानी कि कई बार हेमंत कानावार अनशन पे बैठ चुके हैं और कई पार्टियों के साथ मिलकर वो सफाई कर्मचारी के विषय को लेकर बात करते हैं। लेकिन जब हमने इसकी तहकीकात की, हम कुछ जगहों पे गए, जिस तरह से आज हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं वो हमें बता रहे हैं कि हमें जो हमारा पगार है हमें सही टाइम पे मिल रहा है और हेमंत कानावार से हमें कोई लेना देना नहीं है। उनकी वजह से पहले हमें नौकरी छोड़नी पड़ी थी, अब मुझे उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हेमंत कानावार फिर से अनशन पे बैठ चुके हैं सफाई कर्मचारी को लेकर। लेकिन यहाँ पे जब इनसे बात कर रहा हूँ तो ये लोग कह रहे हैं कि उनके साथ में हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। हम बात करेंगे हेमंत कानावार से, हम बात करेंगे ठेकेदार से, हम बात करेंगे इन सफाई कर्मचारियों से भी। और उन्होंने क्या है कि हम लोग ने बहुत सी लड़ाई लड़ी और शाइन मेंटेनेंस के खिलाफ लड़के उसका ठेका वगैरह रद्द तो हुआ, लेकिन ठेका रद्द होने के बाद भी आज तक कोई सफाई कामगारों का पगार वगैरह मिला नहीं। तो उसके वजह से अब मैंने मतलब पत्र व्यवहार चालू रखा था, तो रवि पवार जी ने एक पत्र दिया था पुलिस स्टेशन में, भाईंदर पुलिस चौकी में, कि जनवरी 2024 में के शाइन मेंटेनेंस के ऊपर गुना दाखिल करो, उन्होंने महानगर पालिका के साथ फर्जीवाड़ा किया है। तो वो पत्र के ऊपर आज तक कोई गुना दाखिल हुआ नहीं है, तो इस वजह से हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं, मतलब मेरी वाइफ बैठी है, कि जितना हो सके उतना जल्दी उस पर गुना दाखिल करो, तो न्यायालय से कोई ना कोई मतलब ऐसा निर्णय आएगा जिसमें सफाई कामगारों का भला होगा। टोटल 120 कामगार जो लीगली जिसने शौचालय में सफाई काम की है उनके पेमेंट के लिए मैं बैठा हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, पुलिस प्रशासन ने काम किया है, उसका रीज़न ये है कि उन्होंने बार बार नगर पालिका को पत्र दिए कि हमें मतलब आप डिटेल भेजो, लेकिन नगर पालिका की तरफ से कुछ लापरवाही हुई है कि उनको मतलब पत्र व्यवहार जो भी था उनको जो सबूत चाहिए थे वो नहीं भेजे, इसलिए वो हुआ नहीं है। 1% 2.5 लाख रुपया उन्होंने मुझे दिया था और वो टाइम पे एक ब्लैकमेल किया था हमको कि अगर तुम लोग यहाँ से खाली करके चले जाते हो और मतलब मैं तुमको 5 लाख रुपया, मुझे 5 लाख की ऑफर दी थी, 5 लाख रुपया देता हूँ। देने वाले का नाम योगेश पुजारी था। वो लोग ने जब वो पेमेंट के लिए मेरे को बोला तो मैं बोला हम लोग दोनों का मिल के जो अमाउंट बनता है वो हिसाब करके दो, तो उन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपया दिया। शर्त ये थी कि मैं यहाँ से मैं जो काम कर रहा हूँ हम लोग दोनों वो छोड़ के विरार मतलब चले जाएंगे, अलग तरह मीरा भाईंदर छोड़ देंगे और बाकी जितने भी सफाई कामगार है उनकी नोटिस थी, इतना बंच पूरा पड़ा था, वो नोटिस पूरा बोलता है ये सबकी नोटिस है, मैं एक को भी खाली नहीं कराऊंगा, ये मेरी जबान है। और तीसरी बात उसने ये बोली थी कि मेरे बच्चों का एडमिशन कराएगा स्कूल में, उसका एडमिशन के लिए उसने मेरे बच्चों का जो लिविंग सर्टिफिकेट था वगैरह वो भी मंगवाया और योगेश पुजारी को मैंने पर्सनली उसके व्हाट्सएप पे भेजा, एक पत्रकार को भी भेजा, वो लोग ने नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल विरार में इंक्वायरी भी की थी ऐसा उसने बताया, पूरी डिटेल नहीं मालूम है। ये वो ऐसे भी जलाने में फेंकने में जाने वाली थी लेकिन वो लीगली होता था, मेरे से जो हो गया वो मुझे मालूम नहीं था कि पैसा फेंकना गैरकानूनी है, वो तो एक यूट्यूब का के देख के मैंने कर दिया था, वो एक गलती हो गई थी। उसके बाद पुलिस सही जांच कर रही है लेकिन अभी भी पूरे डॉक्यूमेंट अभी तक सबमिट नहीं हुए नगर पालिका के थ्रू आज तक। जो कानावार है वो 2020 में हमें साइन कंपनी में शौचालय साफ सफाई का ठेका मिला था, वो ठेके में वो एक सफाई कर्मचारी करके हमने इसको नियुक्त किया था और सफाई काम करते करते उसने जो है हमारे खिलाफ कंप्लेंट डालना, हमारे खिलाफ आरटीआई डालना, कोई पॉलिटिकल पर्दे को दिशा भूल करके उनके हमारे तरफ दबाव डालने, ये सब काम चीजें चालू किए थे। और
ऐसी कोई चीज नहीं है सर, हम लोगों ने उनको पेमेंट नहीं दिया, हम लोगों ने सभी वर्करों को पेमेंट दिया। वो टाइम पे मेरे पास 150 करीबन 150 वर्कर थे, उसके साथ अभी करीबन धरने पे 2 या 3 ही वर्कर बैठे हुए हैं जो हमारे खिलाफ दबाव डाल के हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इससे पहले भी ब्लैकमेल करने की कोशिश लोगों ने की थी, तभी हम लोगों ने उनको उसके खिलाफ नया नगर पुलिस स्टेशन में हो गया कंप्लेंट देना 2022 में, या भयंदर पुलिस स्टेशन में देना हो, उसका सब पेपर्स है, मैं आपको पेपर्स भी उसके दे दूंगा, हम लोगों ने वो दिए थे। मजबूरी में आके हमारे को एक बार उसका जो पैसे देते हुए उसका वीडियो भी बनाना पड़ा, फोटोज भी निकालने पड़े, क्योंकि हमें हर 6 महीने में वो परेशान कर रहा था। हम परेशानी में से इस तरह त्रस्त हो गए कि हम लोग अभी वो फोटोज और वीडियोज भी पुलिस स्टेशन में देके उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। एक्चुअली सर ऐसा है कि हम लोगों के खिलाफ जो महानगर पालिका से लेटर आया था, जो पुलिस वालों ने हमसे पेपर्स मांगे थे, वो पेपर हम लोगों ने उनके दे रही है, पुलिस वाले उसके ऊपर जांच कर रहे हैं। जांच करते समय वो हमसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, हम लोग उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम। हमें पुलिस पे पूरा भरोसा है, वो सही तरह से जांच करके हमें न्याय देंगे। सर मेरे पास पेपर है, उन्होंने कामगार उपायुक्त वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भयंदर पश्चिम के नाम से मुझे एक लेटर दिया था, और एक आयुक्त मेरा भयंदर महानगर पालिका के इनके नाम पर लेटर दिया था कि मेरा और मेरा वाइफ का आपके कंपनी के खिलाफ कोई तकरार नहीं है, दोनों ने बकायदा साइन करके अपने अंगूठे के निशान पेपर पे दिए थे। हाँ, हमारे के लिए उन्होंने वर्कर लोगों का कुछ हिसाब बाकी है, ये बाकी है, या ऐसा हम लोग के खिलाफ बार बार हमारे पास पैसे की मांग कर रहे थे। तो जब भी हम लोगों ने वर्कर लोग का कुछ थोड़ा बहुत एरियस बाकी था या कुछ चीजें थी, वो हम लोगों ने उनको पे किए, और जो पे करते समय हमको ये बार बार परेशान करा था, इसके लिए हमको मजबूर में उनका फोटो और वीडियो निकालना पड़ा, जो हमारे पास प्रूफ है। हमारे माध्यम से आपके माध्यम से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हमने जो पेपर्स और जांच की मांग की पुलिस स्टेशन से हो रही है कि हमें ये पेपर से वो पेपर से, हम लोग टाइम टू टाइम उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके ऊपर पुलिस जांच कर रही है। और हमारे पास जो पेपर्स है, हम लोगों ने वर्कर लोग को पीएफ भरा है, ईएसआईसी भरा है, उनका पेमेंट दिया है, उसका भी पेपर हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में दे दिया। ये जो कानाभर बैठा है वो ब्लैकमेल और हरेसमेंट करने के लिए हमें बैठा है, ये अभी नहीं कम से कम इससे पहले 3 से 4 बार धरने में बैठ चुका है। एक गुनेगार प्रवृत्ति का आदमी है, मेरा भयंदर क्षेत्र में उसके ऊपर 3 से 4 गुने दाखिल है, क्योंकि वो पहले ही सेटलमेंट सब कुछ कर चुका है, तो उसके नाम से कुछ ना कुछ करने करके वो आंदोलन में बैठता है, और हमारा पूरा वाट लगा दिया है। 3 साल से हम लोग को बेघर कर दिया था, वापस हम लोग को ले लिया है। हम हमारा काम करते है, हमारा पगार वगैरह टाइम पे आता है, सब सामान टाइम पे मिलता है, सब होता है। अभी हमको कोई मतलब तकलीफ नहीं है, उससे ही तबलीग है काना भर से। अकाउंट में पगार आता है, टाइम पे मिलता है, और बड़ा के भी मिल रहा है, सब मिल रहा है हम लोग को टाइम पे, सामान वामान सब मिलता है। नहीं नहीं, उसके साथ में कोई नहीं है, खाली वो लोग उनके नाम पे वो आंदोलन करता रहता है, और कोई नहीं है, उसकी बीबी और वही है, साथ में 1-2 जन है बस। वो लोग सेटलमेंट करते हैं, वो बीच में भी सेटलमेंट किया तो उसने हम लोग को बेघर कर दिया था। मैं इधर बाली उद्यान में हाँ, वो अभी आप लोग के मुद्दे को लेकर आंदोलन पे बैठे, उनका कहना है कि आप लोगों को पगार टाइम पे नहीं देते। नहीं, टाइम से आता है मेरा पगार, 9-10 तारीख को हो जाता है पगार। वो तो कहते हैं कि पगार भी नहीं आता। और नहीं नहीं, टाइम से टाइम मिलता है पगार मेरे। ठेकेदार से कोई समस्या नहीं है बिल्कुल। तो अनशन पे क्यों बैठा है फिर? अनशन पे क्यों बैठा है? पता नहीं मेरे, महीने से महीने पगार आता है। हमारा सेठ हमारे हिसाब से बराबर है, वो कुछ भी करे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, भले भूखा बैठे नंगा बैठे, हम लोग को क्या लेना देना। और जैसे कि आपने देखा कि शौचालय कर्मचारी हेमंत कानावार का हमने बात सुनाया, किस तरह से वो अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन बार बार अनशन पे बैठना कहीं ना कहीं वो सबके दायरे में आ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हमने ठेकेदार से बात किया, तो ठेकेदार भी यही बात कर रहे हैं कि बार बार उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, और इसका कंप्लेन वो बहुत ही जल्द पुलिस थाने में करने वाले हैं। और जब हमने सफाई कर्मचारी से बात किया तो सीधा पल्ला झाड़ के बात कर रहे हैं कि मुझे हेमंत कानावार के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसके पहले हम चक्कर में पड़े थे तो हमें नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, अब हम उसके झांसे में नहीं आने वाले। ये जो अनशन पे हेमंत कानावार बैठा हुआ है, ये अपने फायदे के लिए बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी जब हम बात को सुनते हैं, जब देखते हैं, तो हेमंत कानावार ही सबके घेरे में आ रहे हैं। फाउंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।